रामेश जुनून ड्रामे में सुशीला को मालूम हो गया है कि शांजे ने अपनी तमाम दौलत शानी के नाम कर दी है, तो उसने अब सोच लिया है कि वो शांजे को शानी की जिंदगी से निकाल कर रहेगी और शानी को वापस लौटकर उसके पास आना ही होगा, क्योंकि अब शानी के पास वो सब कुछ है जो सुशीला को चाहिए। तो सुशीला शानी से कह देती है कि तुम शांजे को छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। शानी तो सुशीला की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे कहा कि मैं शांजे से शादी करूँ और मैंने शांजे से शादी कर ली, जब मेरे पास ये तमाम दौलत आ गई है तो अब तुम मुझे कह रही हो कि मैं शांजे को छोड़ दूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, शांजे मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और मैं उसकी मोहब्बत की कदर भी करता हूँ, मैं तुम्हारे कहने पर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे शांजे का दिल दुखे। और रही बात जायदाद की, तो वो मैं शांजे को वापस कर दूंगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम मुझे कबूल करना चाहती हो तो मैं अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने छोड़ी थी। इसके बाद तुम अगर मुझे कबूल करना चाहती हो तो मुझे मालूम हो जाएगा कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, मैंने अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए शान से शादी की, अब तुम अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए सब कुछ कर सकती हो क्या नहीं। तो वीवर साहब को कहते हैं कि सुशीला शान से को शानी की जिंदगी से निकाल पाएगी या नहीं, कमेंट सेशन में आकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।